आदिवासी के आशियाने को पचक कर नगर पंचायत बना रही है सुलभ कॉम्प्लेक्स। बेघर आदिवासी परिवार दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर। एक ओर देश के प्रधानमंत्री आदिवासियों को प्रधानमंत्री जनमन आवास बनाकर उन्हें छत उपलब्ध करा रही है, वहीं दूसरी ओर शिवपुरी जिले की मगरौनी नगर पंचायत में आदिवासी के आशियाने को उजाड़ कर वहां नगर पंचायत द्वारा सुलभ शौचालय कॉम्प्लेक्स बनाने का मामला प्रकाश में आया है। अब बेघर आदिवासी अपने परिवार सहित दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है, मगर जनमन की नब जज टटोलने का दावा करने वाली सरकार ने इस पीड़ित आदिवासी परिवार की कोई सुनवाई नहीं हो रही। आदिवासी परिवार अपने बच्चों सहित अब खुले आसमान के नीचे रात बिता रहा है। पीड़ित आदिवासी परिवार ने कई बार प्रशासन की चौखट पर एडीआर रगड़ी, मगर उसकी कोई सुनवाई आज दिनांक तक नहीं हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मगरौनी निवासी टंटी आदिवासी पुत्र भोनाराम आदिवासी ने बताया कि उसे उसके पुराने निवास वर्तमान वार्ड क्रमांक 3 में भूमि पर इंदिरा आवास कुटीर उसके पिता के नाम ग्राम पंचायत से मंजूर हुई थी, जिसके निर्माण उपरांत वह अपने परिवार सहित उसमें रहता था तथा मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन प्रशासन द्वारा इसी स्थान पर करारा एसडीएम के आदेश सीएमओ मगरौनी नगर पंचायत द्वारा टंटी आदिवासी की कुटीर को तोड़ दिया और उसे बेघर कर दिया। टंटी आदिवासी ने बताया कि जब मैंने घर को गिराने का कारण जाना चाहा तो अधिकारियों ने बताया यह सुलभ कॉम्प्लेक्स बनेगा। देखते ही देखते प्रशासन के बुलडोजर ने आदिवासी की कुटीर को पटक कर वहां कॉम्प्लेक्स बनाना शुरू कर दिया। अब आदिवासी अपने परिवार सहित दर-दर की ठोकरें खा रहा है। आदिवासी ने बताया कि उसके मकान में विहिम साइकिल, कूलर, पंखे, मंगलसूत्र आदि सामान भी रखा था। पीड़ित ने बताया कि मौके पर ना तो कॉम्प्लेक्स का निर्माण पूरा हुआ और ना ही मेरी कुटीर बची है। इस पूरे कारनामे में वार्ड 9 के पार्षद की भी भूमिका है, जो लगातार उसे जान से मारने की धमकी और राजीनामा करने का दबाव बना रहा है। टंटी आदिवासी ने कहा कि उसने कई बार जनसुनवाई कराया, एसडीएम को भी आवेदन दिया, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़ित ने मुख्यमंत्री मोहन यादव और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी स्वयं को आशियाना उपलब्ध कराने की मांग की है। नगर पंचायत मगरौनी के श्री गोयल ने कहा कि इस में जांच चल रही है, 3 टीमें जांच करने आई थी, हम शीघ्र ही प्रतिवेदन बनाकर इस विषय में शीर्ष अधिकारियों को उपलब्ध कराएंगे, मामले का निराकरण जल्दी कर दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? टंटी। पूरा नाम बताओ। टंटी राम। पूरा आदिवासी? हाँ, आदिवासी। क्या नाम है? टंटी राम आदिवासी। अच्छा अच्छा, आपका नाम क्या है? लाली। लाली, तो कुटीर किसके नाम थी वहाँ? हमारे पिताजी के नाम। उसी में रह रहे थे आप? हाँ, उसी में रह रहे। अच्छा, फिर क्या हुआ उसमें? उसमें जो हम बाहर गए तो उसने हमें लौट के आज 10 महीना में, तो हम तो तब की कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है और उन्होंने विंडो या चलवा के कॉम्प्लेक्स बना दी। अच्छा, उस पर। हाँ। और आप कहाँ रह रहे हो आप? अब जी सर, जी झोंपड़ी में रह रहे हैं। अच्छा, किसकी है जी? जी दूसरे की है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो 2 महीना अकेली गए, वो आवा तो वो जान तब भी जे। कौन सी जगह है जी जहाँ आप रहते थे? जे सिद्धपुरा है। नहीं, वहाँ वहाँ अर्दौलकपुरा मगरौनी। हाँ, नगर परिषद मगरौनी। हाँ, नगर परिषद मगरौनी। तो आपने सुनवाई मुनवाई कहीं हुई आपकी? हाँ। कहाँ गए थे आप? थाने में गए, पंचायत गए और सीपरी का जन सुनवाई में। अच्छा, कलेक्टर साहब के पास। कलेक्टर साहब के पास। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है।